Voice A. This voice is a normal voice recorded with Boya BY-M1 mic in smartphone. Voice B. This voice is a professional voice recorded with Boya BY-M1 mic in smartphone. Now, obviously voice B wali voice, they are the crisp, clear or professional tha. Elgro, 90 Creators, Total Gaming, now these are the some examples of big audio YouTubers और इन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए अपन उनका आवाज़ ही काफ़ी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत फहमी अपने दिलो दिमाग हाथ पैर सब जगह से निकाल दो कि यूट्यूबर बनना है तो एक DSLR और अपना खोपड़ी DSLR के सामने होना ही चाहिए। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भगवान को दोस्त देना छोड़ दो कि मेरे को ही इतना खराब वॉइस देना था, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे बोरिंग वॉइस को क्रिस्प एंड क्लियर करके दिखाऊंगा। नाउ दिस वीडियो इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम आवर ऑडियंस। विश्वास नहीं होता तो ये कमेंट्स देखो। अब इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई तू वॉइस एडिट कैसे करता है, रिकॉर्ड कैसे करता है, तुम्हारा वॉइस इतना क्लियर कैसे आता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई रिकॉर्ड एंड एडिट माई वॉइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अभी मैं बताऊंगा कि तुमको अपने वॉइस को एडिट कैसे करना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, रिमूव इको फ्रॉम योर रूम। अब ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है तुम्हें, तुम्हारे रूम पे ज्यादा इको नहीं आनी चाहिए। और इको को रिमूव करने के लिए नॉर्मली तुम अपने रूम को सामान से भर सकते हो या फिर पर्दे भी लगा सकते हो वॉल में। अब रही बात मेरी, तो मैं कुछ भी यूज नहीं करता, मेरा रूम नेचुरली थोड़े बहुत सामान से भरा हुआ है। नंबर टू, ऑडियो रिकॉर्डिंग। सो आई रिकॉर्ड माई वॉइस विद बोया BY-M1 माइक, जो कि मैंने आज से तकरीबन 3 साल पहले खरीदा था 1200 रुपए में वीडियोस बनाने के लिए। चाहो तो तुम भी एक माइक परचेस कर सकते हो, पर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दुखी मत हो भाई, ईयरफोन या फिर अपना मोबाइल भी यूज कर सकते हो वॉइस ओवर के लिए। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर अच्छी क्वालिटी का वॉइस चाहिए देन फोन को माइक की तरह होल्ड करके मुंह के पास लाना फिर रिकॉर्ड करना। अब ये तो हो गई हमारी बेसिक ऑडियो रिकॉर्डिंग, खेल तो अभी शुरू होगा दोस्त। नंबर थ्री, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में वॉइस ए और वॉइस बी का ऑडियो सैंपल सुना ही होगा, एंड अनडाउटेडली यू लव वॉइस बी, राइट? यस। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि वॉइस तो ओनली पीसी में एडिट की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, यू कैन ऑल्सो एडिट योर वॉइस विद स्मार्टफोन। फॉर वॉइस एडिटिंग आई यूज लेक्सिस ऑडियो एडिटर, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। नंबर फोर, हाउ टू एडिट वॉइस। ओके, ओपन योर लेक्सिस ऑडियो एडिटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यू हैव टू इम्पोर्ट योर फाइल। सो एक बार तुमको मैं प्ले करके सुना देता हूँ। Voice A. This voice is a normal voice recorded with Boya BY-M1 mic in smartphone. अब ये था हमारा normal voice without any editing. So अभी हम इसको करेंगे edit. 3 dot पे क्लिक करना है, उसके बाद आना है effects में। आने के बाद सबसे पहले तुमको एक चीज का ध्यान रखना है, noise reduction कर देना है, ताकि जितने भी background में noise हो उसको काफी हद तक reduce कर देता है ये noise reduction. तुम एक बार settings को देख लो, बिल्कुल इसी तरह से तुमको apply करना है। तो सबसे पहले हम apply कर देते हैं। तो भाई हमारा काफ़ी हद तक नॉइस हो चुका है रिमूव। फिर से तुमको 3 dot में जाना है, इफेक्ट में जाना है, उसके बाद तुमको जाना है इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर में। सारा वॉइस एडिटिंग का खेल यहीं पर है गाइस। तो मेरा सेटिंग्स देख सकते हो, जो मेरा ट्रेवल है उसको हाई कर देता हूँ, ये 16,000 पूरा हाई कर दिया है ताकि एकदम क्लियर वॉइस आए। लेफ्ट साइड से होता है बेस इंक्रीज, तुम इसको ऐसे बढ़ाओगे देन बेस इंक्रीज होगा, ये सभी से ऐसे बढ़ाओगे देन बेस इंक्रीज होगा। ओके, राइट साइड से तुम्हारा ट्रेवल इंक्रीज होगा एंड लेफ्ट साइड से बेस। अब तुम्हें अपने अकॉर्डिंग वॉइस को कस्टमाइज़ करना है, अब तुमको किस तरीके का वॉइस अच्छा लगता है। बेसिकली मेरे को ये ट्रेबल वाला वॉइस ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं भी इसको 0 decibel में रखता हूँ, मैं ट्रेबल को हाई कर देता हूँ थोड़ा, एक सो ये मेरा नॉर्मल एडिटिंग है। अब देखो भाई, बेसिकली मेरे को बेस ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ट्रेबल को हाई कर देता हूँ, सो ये सबसे ऊपर रहता है मेरा, ताकि वॉइस एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आए, इसीलिए तुम मेरा वॉइस को इतना क्लियर सुन पाते हो, बिकॉज मैं ट्रेबल को काफ़ी हाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको एकदम लो कर दूँ ना तो वॉइस क्लियर आएगा ही नहीं, इसीलिए मैं हाई कर देता हूँ। सो गाइस, ये तो हो गया हमारा वॉइस सेटिंग। ओके, तुमको फिर से जाना है 3 dot में, इफेक्ट में जाना है, उसके बाद तुमको जाना है सबसे नीचे एंड कन्वर्ट स्टेरियो मोनो, तुमको दिख रहा होगा, तुमको इसमें जाके कन्वर्ट स्टेरियो टू मोनो कर देना, ताकि एकदम इक्वली आवाज़ निकले लेफ्ट और राइट साइड से। नाउ लास्ट, तुमको 3 dot में आना है फिर से, उसके बाद इफेक्ट में आने के बाद नॉर्मलाइज कर देना है, ताकि तुम्हारा वॉइस मतलब कुछ भी एडिटेड ना लगे, नॉर्मल लगे, उसके लिए तुमको नॉर्मलाइज कर देना है। ये नॉर्मलाइज हमारा हो गया। सेव करने के लिए ऊपर तुमको सेव दिख रहा होगा, सेव में जाना है एंड यहाँ पर अपना फाइल का नाम, तो ये हमारा सेफ हो चुका है। अब जैसे ही तुम अपने कैपकट या फिर कुछ ओपन करोगे ना, देन तुम्हारा वो एडिटेड फाइल शो नहीं करेगा। सैम्पल वॉइस देखो नहीं आ रहा, बिकॉज ये सेव तो हुआ है बट MP3 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसके लिए तुमको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MP3 फाइल कन्वर्टर। तुम देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पर ऑडियो कन्वर्टर ऐसा दिख रहा है, तुमको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर कोई से भी एक MP3 कन्वर्टर डाउनलोड करो। सबसे पहले तुमको जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर तुमको सर्च करना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो तुम जैसा कि देख सकते हो ये हमारा सैंपल वॉइस आ चुका है यहाँ पर, तो इसको हमको सेंड करना है कन्वर्ट डिस ऑडियो में जाके, ये हमारे MP3 फॉर्मेट में आ चुका है। बिटरेट में जाके तुमको सबसे हाई कर देना है 320 kbps, ताकि वॉइस एकदम बेटर क्वालिटी में आए। अब इसको सेव कर देना है सैंपल वॉइस। यस, नाउ इट्स ओवर। अब जैसे कि तुमको मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके दिखाऊँ,
सो नाउ इफ आई विल सर्च सैंपल देन देख सकते हो ये आ चुका है। इस तरीके से तुम्हारा वॉइस एडिट होता है और मैं बिल्कुल इसी तरीके से एडिट करता हूँ जैसे कि मैंने अभी तुमको दिखाया। इफ़ यू वांट टू नो हाउ इंस्टाग्राम इज डिस्ट्रॉइंग यूट्यूबर्स देन यू मस्ट वॉच द लेफ्ट वीडियो एंड इफ योर ऑडियंस डोंट लव योर वीडियोज देन वॉच द राइट वीडियो। किसी भी वीडियोज पे क्लिक करो और मैं तुमसे वहीं पे मिलता हूँ। चलो बाय।